अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीबी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। गोश वाले का जुल्म खबर है चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट से, जहां एक गोश की दुकान चलाने वाले असलम कुरैशी नामी शख्स एक चार बच्चों की मां को हरासमेंट कर रहे हैं। आइए नाज़रीन सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मुतासिरा खातून की ज़ुबानी। एबीबी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। मैं सबको यही बोलना चाह रही हूँ, चाहे वो आम हो चाहे ख़ास हो, अगर से किसी की भी औरत को या किसी को भी छेड़ा तो कल को किसी को भी कर सकता, उन्हें हम लोगों को करा, इतने बड़े औरतों को, तो किसी के बहनों को अकेले देके या फिर किसी का मौके का फ़ायदा भी उठा सकते हो लोग, मौके का फ़ायदा उठा के जिन्हें सब पे नज़र रखे करता असलम, जो भी करता कौन है, किसी घर में कोई नहीं है, कौन मतलब कहाँ गए हुए है, ऐसा सब देख के करता उन्हें अपने। और अगर से आप लोग एक्शन लियो बराबर, ये क्या असलम कुरैशी बहुत क्या यादव से कहाँ से हुआ? वो हाशिमाबाद पे हुआ ये असलम। वजह क्या है? नहीं, असलम में कुछ छेड़ रहा था बहुत दिनों से, तो मैं उसको समझा रही थी ये गलत है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, ऐसा नक्को करो बोले तो उन्हें सुन रही नहीं था। हाँ अच्छी बात है, बड़ा था, फिर थोड़े दिन को कॉल कर रहा था, थोड़े थोड़े दिन को कॉल कर रहा था। क्या बोले? उन्हें नंबर ले लिया, बच्चे गए तो गोश्त की दुकान पर, बच्चों से छोटे बच्चे हैं उनसे पूछ के ले लिया मेरा नंबर, मेरे बच्चों से पूछ के ले लिया नंबर, उन्हें नंबर लेके फिर कॉल करा, रॉन्ग नंबर है बोला पहले, फिर सलाम दुआएं कर रहा मेरे साथ, तो मैं बोली कौन है आप, तो आपके चाहने वाले बोल रहा मेरे को ऐसा, मैं बोली कौन चाहने वाले, तो ऐसी गलीज गलीज बातें कर रहा मेरे को फ़ोन पे, तो मैं बोली ऐसा ऐसा मतलब तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना बोले, तो मेरे को बोल रहा उन्हें हाँ तो मेरी बात ऐसा नहीं सुनती, अगर से तू नहीं सुनी तो मैं देख क्या करता हूँ, कितों को दे देता हूँ तेरे नंबर, आ तेरे को उठाने लगाता हूँ रस्ते से, बोल रहा मेरे को उन्हें। आज क्या हुआ मामला? आज ये छुआ, आज आज जो हुआ ये छुआ, ये बात हुई बोल के मैं गई उसकी दुकान पर, हमेशा तो खाली ब्लैकमेल करता था उन्हें फ़ोन करके मेरे को, मगर मिलो ज़बरदस्ती बोलता था, मिलो अगर से नहीं मिले तो देखो अच्छा नहीं रहता बोल के ऐसा बोलता था मेरे को। रिकॉर्डिंग से आपके नाम? हाँ रिकॉर्डिंग से, रिकॉर्डिंग थे, रिकॉर्डिंग थे, मगर वो वाला फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, तो ये दूसरा फ़ोन है। तो आप जब भी कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? नहीं उसको मतलब ऐसा समझाना बोल के समझा के देखे उसको, नहीं समझा तो फिर आप गए उसकी दुकान पर, उसकी दुकान पे गई मैं, उसको उन्होंने मेरे को धमका रहा था तू मेरा क्या कर ले सकती, तू आके बता यहाँ पे हिम्मत है तो मेरे को, तो मैं गई अकेली, गई फोन करी मैं, मेरे को ऐसा अकेली को देख के उन्हें मारने आ रहा, मारता हूँ बोल रहा, गालियाँ दे रहा बोल के, फिर उसकी अम्मा उसके बहना आए, हम लोगों को लेडीज़ को देख के मारे, मार के बुरखे खींचे, देखो फाड़ दिए बुरखे, मारे उसके पोटे मारे, असलम फैसल उसका बाप उमर, उमर उसका दोस्त है, उमर ऐसा बता रहा था मारता हूँ बोल के, बैठा बता रहा उमर, उमर की बहुत जल्दी करते, दिन दिवाले दिन दिवाले बहरहाल पहलवानी कर रहे, हमारा हमारी गर्दी कर रहे, हमारी गर्दी तो इतनी बढ़ गई गुंडा गर्दी, तो उन लोगों को किसी का खौफिश नहीं रहा, कौन कौन क्या बोलेगा, इन औरत है इनको कैसा छेड़ना बोल के, ये तो है इसने लोगों के अंदर, दुकान पे बैठ के बस ये करते वो लोग का काम। नहीं आज ही छुआ, ये अचानक हुआ, उन्होंने गाँव गए हुए है उनको नहीं मालूम ये बात, पुलिस स्टेशन में कमेंट करे, करे कम्प्लेन करे, लड़ाई हुई बात पुलिस है, बल्लागुड़े की, बल्लागुड़े पी एस में, बल्लागुड़े पे है ना ये, हाँ चंद्रन गुट्टा पे आगे है ना पीएस, तो वहाँ पे कंप्लेन करे तो फिर उन्होंने क्या बोले, उस्मानिया जाओ बोले, मारे थे ना वो बच्चे, अच्छे जवान जवान बच्चे, उन्होंने लेडीज को मारे, लेडीज कितना मार खा सकते बोलो, कितना मार सकते उनको, उन लोग क्या करे, लेडीज को कमजोर देखे मारते जा रहे खाली, तो ऐसे गुंडों को क्या करते, खुलेआम छोड़ देते गुंडागर्दी करने, अगर और सब जने बस्ती वाले देखे तमाशा देख रहे खाली, पूरे ठहरे हुए हैं और कोई भी नहीं, गैर मुस्लिम नहीं खाली, मुसलमान ठहर के तमाशा देख रही है खाली, मुसलमान लेडीज को।